और जी एक बार कैश फ्लो की क्या शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या था कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसके हिसाब से था, एज पर रिवाइज्ड AS3, किसके हिसाब से था, रिवाइज्ड AS3 बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, कितनी एक्टिविटी है, तीन। पहली ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जिसमें हम P&L अकाउंट की ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की बात करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। सेकंड कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो किसके बारे में बात करती है कि पूरे बिजनेस में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, एक्वायर करी या सेल करके, और साथ में बात होती है उसकी रिटर्न इनकम की, किसकी, रिटर्न इनकम। यदि आप फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर कर रहे हो, पैसा आ रहा है जा रहा है, एक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, माइनस होगा, और सेल कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश है, प्लस होगा, और कोई रिटर्न इनकम आ रही है तो भी ऐड होगा क्योंकि वो इनफ्लो ऑफ कैश है। सर रिटर्न इनकम का मतलब, सर जैसे प्रॉपर्टी में लगाओगे तो रेंट मिलेगा, इक्विटी में लगाओगे तो डिविडेंड मिलेगा, डेट में लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर है। थर्ड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसकी बात करती है, डेट एंड इक्विटी की, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, किसकी बात करती है, डेट और इक्विटी की बात करती है, डेट कितना है और इक्विटी कितनी है। कोई डाउट है तक किसी को, कि कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में डेट्स और इक्विटी को रेस करा है या रिडीम करा है, रेस करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, तो इनफ्लो ऑफ कैश, रिडीम करोगे रीपेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो ऑफ कैश, माइनस क्या करोगे, सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट में भी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। सर्विस कॉस्ट मतलब यदि मैंने अपनी कंपनी के डेट्स इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, तो क्या होगा बोलो, बोलो डिबेंचर इशू किया तो क्या होगा, सर ब्याज देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और ब्याज देने से क्या होगा बताओ, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। और मैं अपनी कंपनी की इक्विटी इशू करूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, क्लियर है। मैं एक बार फटाफट आपको ये याद करा दूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने कैसे याद किया था, समझा तो भी नहीं है, याद कैसे किया था ये समझ लेते हैं। याद हमने ऐसे किया था, देखो पीछे मैं नहीं देख रहा, आप देखो P&L की बजाय हम बोलते थे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का डिफरेंस, पिछले साल कितना मुनाफा था, इस साल कितना मुनाफा है, उसके डिफरेंस से शुरू करते हैं कहानी। ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में क्या आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ऐड क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड क्या करते हैं, नॉन, उल्टा चल रहे हैं ना, देखो एक्सपेंस माइनस होते हैं, पर जब आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो उनको क्या करोगे, ऐड करोगे। कौन से खर्चों को ऐड कर रहे हो, जो बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन फंड है, ऐसा खर्चा जो बिजनेस को ऑपरेटिंग में नहीं है, जैसे ब्याज देना बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, और डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, सो देयरफॉर इट इज एडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय द इनडायरेक्ट। और जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम है उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सर क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस, सर दिल पे, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आगे एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पी फॉर प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज नॉट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, यदि वो P&L में डेबिट हुए होंगे तभी आज यहां ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं, क्लियर है। आगे सर फिर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम क्या थी, बोलो, IRDP, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, डिविडेंड मिलना, तीनों हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कैसी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है पर किसी फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगी, ये इनकम हो सकती। आगे चलते हैं, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्या किया था ऐसे बताओ हमने, करंट लायबिलिटी सीधी चाल चलती है, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो
करंट एसेट उल्टी चाल चलती है, बढ़ेगी तो माइनस और कम होगी तो प्लस। ये जो आएगा इसमें से माइनस क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड, और ये क्या आ जाएगा ई, इन्वेस्टिंग का बी, फाइनेंसिंग का सी। फिर क्या बना लेंगे नेट, देखो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है नेट, क्लियर है क्या होगा नेट, और नेट कितना है ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ऐड क्या करेंगे ओपनिंग सी सी और एक इसके बराबर आ जाएगा क्लोजिंग सी सी। किसी को कोई डाउट यहां तक, ठीक है जी। बुक निकाल लो, चार क्वेश्चन बुक से कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल से, पेज नंबर 5.61, इलस्ट्रेशन नंबर 51, इलस्ट्रेशन नंबर 51, इलस्ट्रेशन नंबर 51 बेटा, जल्दी से निकाल लो पेज नंबर 5.61। चले ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो लिमिटेड इंडिया 31 मार्च 2022 की। देखो एक बात देखो, आपको कसम होगी वो आपको ईयर कैसे भी दे दे, इसने कैसे दे रखा है पहले 22 फिर 21, या 21 पहले दे दे 22 बाद में दे दे, आप हमेशा अपना हाथ कैसे चलाओगे, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर कैसे दे रखा है इसने बताना, एक बार बताना मुझे, पहले क्या दे रखा है 22, फिर क्या दे रखा है, ऊपर जाओ ऐसे एरो बना लो कि आपको हमेशा ऐसे देखना है, ऐसे पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हो गया, पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या हो गया। चले आओ जी पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एक एक करके चल पढ़ना शुरू करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था बोलो, इस साल कितना हो गया, सर शेयर कैपिटल 20 लाख से 25 लाख हो गया, क्या मतलब है इसका कि जरूर कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में 5 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू करे होंगे, सर शेयर इश्यू करे होंगे तो पैसा तो प्लस होगा, क्या होगा कहां प्लस होगा पता नहीं, भूल जाओ तो क्या करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा, चोर निकल के भागा, किस पे आ गया फाइनेंसिंग, तो किस में ऐड कर दोगे फाइनेंसिंग, हां जी ठीक है, नहीं नहीं ऐसे ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, कहने वाली बात यह है सिर्फ कि शेयर इश्यू करना कैसी एक्टिविटी है, रिवाइज करके आयो कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग है ना, शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, भाई साहब डे टू डे ऑपरेटिंग, नॉन करंट एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग, देखो लिख के रखा है डेट और इक्विटी, तो शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है बोलो, क्या करूं बोलो, कहां प्लस करूं, लिख दू प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने लाख के, 5 लाख के, हाँ या ना, इतनी बात में किसी को डाउट बेटा, आगे मूव कर जाए, पढ़ो क्या लिखे आगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड, सर नीचे खोल के दे रखे हैं रिजर्व एंड सरप्लस, सर सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डिटेल्स में पहले डिटेल्स में बात, नीचे देखो क्या दे रखा है बेटा, सरप्लस को खोल के दे रखा है, क्या दे रखा है सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है बताओ, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द, चलो बता दो उसमें और क्या क्या आता था, याद है फर्स्ट चैप्टर क्या क्या आता था बताओ, सीआर सीआरआर डीआरआर ओआर एसपीआर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएंडएल अकाउंट, तो ये वही खाते की बात कर रहा है, पिछले साल हमारा मुनाफा कितने का था 1 लाख का, इस साल कितना हो गया, तो कितना प्रॉफिट इस साल जनरेट किया 31, कितना प्रॉफिट जनरेट किया बोलो 31, तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएंडएल में क्या लिखोगे 31, क्या लिखोगे 31, आप बुक में देखोगे ना बेटा, बुक शुरू यहां से करती है पीबीटी से आंसर अपना,
और ये सब कुछ कहां ले जाती है, वर्किंग मैं इसको यहां से करता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे इसको आप वर्किंग नोट में करो चाहे आप इसको यहीं से शुरू करो। किसी को कोई दिक्कत? ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपने पहले पेपर में बनाना है, उसके बाद बस पुट करते चले जाना है। जो इस वित्तीय वर्ष में कमाया है, पिछले साल कितना मुनाफा पड़ा था हमारे पास, वो बढ़कर इस बार कितना हो गया, 230। इसका मतलब 130 का मुनाफा हमने इस वित्तीय वर्ष में कमाया है, ये रहा 130। आगे चले, कौन से अमाउंट में अभी करेंगे वो अमाउंट छोड़ दे, डिटेल्स में डालेंगे भी सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 7 लाख से कितने की हो गई, 450। थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, समझाता चला जाता हूं। क्या कहा था, करंट लायबिलिटी कैसे चाल चलती है, लिख देता हूं यहां पे, करंट लायबिलिटी कैसे चाल चलती है, डायरेक्ट, और करंट एसेट्स उल्टी, इनवर्स। लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, क्या लिखोगे, डिक्रीज इन क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ही है ना ये, कितने हो गए, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने है बताओ, बोल दो भाई, 7 लाख से 4.5 लाख के रह गए, तो कितने हो गए, बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट इसमें, पक्का क्लियर है, हाँ जी बोलो बेटा, मेरे से पूछो, कौन सा, अच्छा आगे चलो बेटा, अब आ जाओ एसेट्स पे, लायबिलिटी खत्म हो गई, एसेट्स पे आओ, नॉन करंट एसेट्स में क्या गिवन है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में हमारे पास लैंड है भैया, 5 लाख से 6.60 की होगी इस बार, पिछले बार हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की थी, इस बार लैंड एंड बिल्डिंग 6.60 की होगी। इसका क्या तात्पर्य है कि जरूर इस साल 1,60,000 रुपए की एसेट्स और एक्वायर करी है, खरीदी है, पैसा आया या गया, गया, प्लस करेंगे या माइनस, कहां करेंगे, ना याद आए तो कहीं भी, ना याद आए तो कहीं भी, बाकी 10-5-7 क्वेश्चन करके सब अपने आप याद हो जाएगा कि कौन कहां आएगा। सोच के देखो, नॉन करंट एसेट खरीदना कैसी एक्टिविटी है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना बिजनेस में, तो क्या लिखोगे, माइनस परचेज ऑफ लैंड, कितने की बिल्डिंग खरीदी है, 1 लाख, उस पर ब्रैकेट जरूर लगाना, इट शोज ए नेगेटिव है, यदि आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो फर्क डबल का आएगा, ठीक है। आगे चलो, अब आ जाओ बेटा करंट एसेट पे, किस पे आ जाओ, इन्वेंट्री 8 लाख से कितने की हो गई, बढ़ रही है, क्या करोगे, प्लस या माइनस, अच्छा क्रेडिट क्रेडिटर कम हो रहे थे तो माइनस कर दिया हमने, ये माइनस, डिक्रीज इन क्या, स्टॉक कितना, बोलो 1 लाख, कितना हो गया 1 लाख, आगे बोलो क्या है, क्या हो रहे हैं, ये भी कम हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं भाई, कमी तो हो रहा है, ठीक तो कह रहा है, 12 लाख से कितने हो गए, 11.5 लाख, अच्छा कम हो गए ना, कम हो रहे हैं, तो एसेट कम होगी तो क्या करेंगे, एड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने, 50,000, हाँ या ना, इन्वेंट्री बढ़ रही है माइनस कर दिया, क्रेडिटर क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे माइनस कर दिया, और ये ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बताया था ना लायबिलिटी कैसे चाल चलेगी, सीधी, और एसेट कैसे चाल चलेगी, उल्टी। लॉजिक अभी बुरा देंगे बेटा इस चीज पे, क्या है कैसे है क्यों ये हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट नहीं, इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, नोट छापने की मशीन थोड़ी ना बेटा हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये पता लगता है कि आपने पहला चैप्टर कितना पढ़ा है। आओ, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, डैश डैश कितना आ गया, 1,30,000, डैश डैश कितना हो गया, 1,30,000, माइनस के कितने हो गए, 3 लाख, माइनस के कितने हो गए, 3 लाख,
ये कितने हो गए 170, कितने हो गए 170 किसके नेगेटिव डैश, क्योंकि कोई टैक्स पेड का पॉइंट नहीं है, तो 170 क्या हो गया नेगेटिव। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 170 लग गए, 170 लग गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, 170,000 रुपए लग गए। तो लिखो इसके नीचे कैश, देखो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश क्या हो गया यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश क्या हो गया यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश क्या हो गया यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे चले, अब बोर्ड में देखो बेटा ध्यान से एक बार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, परचेज ऑफ लैंड, 160,000 रुपए लग गए हमारे, खर्च हो गए, तो यहां पे भी क्या आएगा आंसर नेगेटिव। तो यहां पे भी क्या लिखोगे बोलो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज हो गया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। थर्ड लिखो, इसमें 5,00,000 के शेयर इश्यू करे हैं, पैसा आया है ना, और कुछ और है, कुछ और नहीं है, तो ये कितना आ गया बोलो, बोलो कैश, लिखो कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश जनरेट हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों था कैसे, इकतीस 50 से 50 कैंसिल हुआ, 3,00,000 नेगेटिव हो गया, 31 पॉजिटिव है, 3,00,000 नेगेटिव है, तो 160 कैसे हो सकता है भाई, 170 है ना, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखा है, कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे चलो बेटा, नेट कैश क्या हो रहा है बताओ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 5,00,000 में से दोनों को माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है नेट कैश जनरेटेड, 170,000, 170,000 नेट कैश जनरेटेड कितना हो गया 1,00,000। अब एक काम करो, ओपनिंग कैश देखो कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, पक्का 3,00,000 पड़ा है, 3,00,000 ऐड कर दिया ओपनिंग सीसी, कितना ऐड कर दिया ओपनिंग 3,00,000 ऐड हो गया। अब हाथ जोड़ो बोलो, हे भगवान हमारी कैश लो मैच करा दीजिए। अब ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4,70,000। दाहिनी आंख धीरे धीरे खोलते हुए क्वेश्चन में जाके देखें क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,70,000 आ रहा है, आ रहा है भाई, बस इसका बोलो तुमने क्या किया बेटा, ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 34 है ये बोर्ड का, खड़े हो अपनी शीट मैडम को दो और क्लासरूम से बाहर का रास्ता करो, खत्म। और बड़ी खुशी होगी जब ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर जाएगा मैच, कसम से कह रहा हूं इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा, ये लेवल है आपके कोर्स में सीएफएस का, हद से हद, इसमें 2 एडजस्टमेंट साथ जुड़ के आ जाएंगी और वो और भी आसान है। आजकल तो एक ही आ रही है, काफी टाइम देख रहा हूँ एक ही आ रही है, पर हम मान के चलते हैं कि चलो 2 आ जाएंगी, टोटल में 6 एडजस्टमेंट है और बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे पता नहीं क्यों ही रोते रहते हैं इसमें। इतनी बात समझ आ गई। अब दूसरी बात देखो, कभी कभी हो सकता है कि टाइम की कमी हो, टाइम की मेरे टेस्ट में नहीं, बोर्ड की बात बता रहा हूँ, हम टेस्ट में आके खोल के पेपर चेक करेंगे। आपको लिखना क्या है क्लोजिंग सीसी में, 470, क्या लिखना है 470, कहां से देख के
यदि मैच नहीं कर रहा तो गलती मानने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग सीसी क्या लिखोगे? 470। ओपनिंग सीसी क्या लिखोगे? 3 लाख। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकाल लोगे? नेट कैश, नेट कैश जनरेटेड या यूज्ड, जो भी होगा। बात समझ रहे हो? पेपर में मैडम को ना पता चले कि तुमने गलती करी, मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स। अब समझो, अब समझो है क्या जी? हाँ रिकॉर्ड है, ध्यान सुनो। देखो भाई, क्लोजिंग सीसी क्या लिखोगे? बुक में लिखी है ना 470। ओपनिंग सीसी भी क्या लिखी है? 3 लाख। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आएगा? 170 आएगा। अब होगा क्या, तुम्हारा पेपर पूरा ठीक है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन में बाय चांस गलती हो गई। जब टीचर का हाथ ऐसा सेट है ना कि 6 में से 6, 6 में से 6, 4 में से 4, 3 में से 3, तो ऑटोमेटिकली लास्ट क्वेश्चन पे आके वो 6 में से बस वो यही देखेगी कि सब कुछ बढ़िया है, कटिंग वटिंग कुछ करी नहीं है, आंसर ओके टक। वैसे हल्का ऐसे नहीं होता, वो तीनों आंसर चेक करती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बट हो सकता है कि नजर ना जाए और तुम बच जाओ गलती करने के बावजूद 6 में से 6 निकाल लाओ, ठीक है। पर ऐसा है कि इस चीज के चांस काफी कम है, वो आंखें खोल के पेपर चेक करते हैं। आओ जी बेटा जल्दी से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 52, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्म का नाम लीवा लिमिटेड, 31 मार्च 2022। देखो जी 21-22, पहले 22 है फिर 21 है, तो 21 से 22 पे कंपेयर करोगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 180 से 210। जरूर हमने 30,000 रुपए के शेयर इशू करे हैं। पैसा आया है, गया है? गया है, आया है, पैसा आया है, तो प्लस होगा इनफ्लो ऑफ कैश। कहां होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, शेयर्स इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है भाई साहब, खनेजा साहब, क्या है बताओ? प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बोलो? 30,000, हाँ या ना? आगे चलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नीचे खोल के दे रखे हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी, पिछले साल मुनाफा 24,000 था, जो इस बार बढ़कर 1,32 हो गया, तो इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? 1,08,000, पक्का। आगे चलो, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पिछले साल भी 1.5 लाख थी, इस साल भी 1.5 लाख है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को ना मैंने रेस करा ना मैंने रिडीम करा, ना लोन लिया ना लोन वापस किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होगा, हाँ है ना? आगे चलो, अब आ जाओ एसेट्स पे, नहीं करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 27,000 से कितने हो गए? 75, बढ़ गए ना, तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? क्या? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने बोलो? 48,000, ये सुन लो, यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे, आराम आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन, किसी को जल्दी तो नहीं? आओ जी आगे, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने हैं बोलो? 252 से 290 क्या हुआ होगा? सेल बड़ी है, एसेट बड़ी है, परचेज, परचेज करने से पैसा आया होगा गया होगा? प्लस या माइनस? इनफ्लो या आउटफ्लो? प्लस या माइनस? कहां से? एक्टिविटी, तो क्या करोगे? माइनस परचेज ऑफ लैंड एंड इक्विपमेंट, कितना है बोलो? 42। तो 42 ब्रैकेट में आ गया, किस में आ गया बेटा? ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, ऐसा गया है। आगे चले, आगे पढ़ो बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,000 से 48,000, 18,000 से 48,000, इन्वेस्टमेंट करी है या डिसइन्वेस्टमेंट करी है? करी है, पैसा आया गया? प्लस या माइनस? इनफ्लो आउटफ्लो? माइनस, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा गया इसमें? 20,000, ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाना साथ साथ नेगेटिव वालों के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे,
करंट एसेट्स क्या बेटा? पहली और चौथी आइटम पकड़ो. पहली क्या है? ए करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल, और चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सर दोनों किसका पार्ट है? सीसी के पार्ट है. मैंने बताया था ना सीसी में चार चीजें आती है, क्या? कैश इन एंड कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना ये सारी की सारी. तो पर एक काम करो, आओ जी कौन सा है 2021 2000 पहले क्या है करंट इन्वेस्टमेंट और फिर क्या है सीसीई. बताना कितनी है करंट इन्वेस्टमेंट, बोलो 6000. कितनी है? 60000. कितना? 50. और ये कितना है? 9000. 9500 है. अच्छा आगे. और ये 24000 कर लो. ये टोटल कितना हो गया? 69500. और ये कितना हो गया? 78000. हाँ है ना, ये बात समझ आती है? टोटल सीसीई हो गई. चले पक्का ये वाली बात समझ आ गई सबको? आओ दूसरी चीज पढ़ो क्या है बेटा. इन्वेंट्री स्टॉक 24000 से 107000 रुपए का हो गया. बढ़ा या कम हुआ? एसेट कैसी चाल चलती है? उल्टी. तो क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस करो. माइनस इंक्रीज इन स्टॉक कितना? बोलो बोलो बोल दो यार. 83000 माइनस कर दिया. आगे बोलो अगली आइटम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल 17500 से कितने हो गए? 17500 से कितने हो गए? 40000. क्या करें बोलो? बढ़ रहे हैं ना, तो डिक्रीज करेंगे. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने बोलो? 22. क्वेश्चन खत्म या कुछ रह गया? क्या रह गया? वो तो बाद में कंसीडर करेंगे. चले हो गया तक सबका? नोट हो गया साथ साथ? चलो 108000 कुछ नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ भी कितना आ गया? 108000 कुछ नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ भी क्या आ गया? डैश डैश 108000. करो एक बार 48000 ये करो 8 करो ये बताओ क्या आ रहा है? नेगेटिव में क्या आएगा? 83 प्लस 22500 माइनस 48 57500. पक्का? तो 108000 में से 57500 गए तो क्या आ गया? कितना? 50500 आ गया. कोई टैक्स पे नहीं है. 50500 ही आएगा. 50000. डाउट किसी को इसमें? पक्का क्लियर है यहां तक? आगे चलो. अब क्या हुआ? हो गया यहां तक? खत्म हो गया सबका? क्या लिखा है आपने इसको? बोलो कैश. बोलो क्या आएगा? जनरेटेड इन कैश, जनरेटेड इन. चले इसमें क्या ये बताओ? यूज हो रहा है ना. कितना हो गया? 72000. बोलो क्या लिखेंगे? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. चले ये क्या है? 30000 को छोड़ तो नहीं है ना. कितना आ गया? 30000. क्या लिखोगे? कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सर कमा रहे हैं, कैश कमा रहे हैं, उधार भी उठा रहे हैं, और कहां लगा रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हाँ या ना? अब समझो ध्यान से. आपको लग रहा होगा कोई जादू है, तो कोई जादू नहीं है. अकाउंट्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. कुछ जादू नहीं है कि आंसर मैच हो रहा है. हमने सिर्फ क्या किया, उसको कैश आइटम पे ले आए जाके इसको. ठीक है आओ बताओ नेट कैश जनरेटेड कितना आ गया? करो 50 और 30 80500. 80500 में से 72 गए तो क्या आ गया? 8000. ऐड क्या करोगे? ओपनिंग सीसीई. और वो क्या है? 21 वाली को क्या बोलेंगे और 22 वाली को क्या बोलेंगे?
ओपनिंग कितनी है बोलो? 69,500। क्लोजिंग कितनी है? कितना हो गया इसका सम? 70। अब क्या करना है? हाथ जोड़ने, बोलो हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए। अब दाहिनी आंख धीरे धीरे खोलते हुए देखो, ये 78,000 इस 78,000 से मैच कर रहे हैं। बेटा कुछ है क्लास में घमंडी बच्चे जो हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर रहे? वो जितनी मर्जी यहाँ मैच करा लें, उनकी बोर्ड में मैच नहीं होगी जब तक हाथ जोड़ के नहीं कहोगे हर बैलेंस शीट। बेटे दाहिनी खोलो, बाहिनी खोलो, एक ही आंख खोलनी धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर कहता है ना आंखों के ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे आंखें खोलो, कह रहा माँ मुझे तुम दिखने लगी हो। ठीक है, मूवी तो देखी होगी। आओ जी बेटा अनसॉल्व 40 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? अनसॉल्व 40th क्वेश्चन पे आ जाओ। अनसॉल्व 40 क्या कहता है बताओ? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? यंग लिमिटेड 2022 और 21 का डाटा गिवन है, तो 21 से 22 पे जाएंगे। शेयर कैपिटल 2,00,000 से 2,50,000, तो जरूर क्या किया होगा? 50,000 के शेयर इशू किए होंगे, तो क्या लिखेंगे? प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। हाँ है ना? आगे चलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ। पिछले साल मुनाफा 82,000 का था, जो इस बार 1,83,000 1,83,000 का हो गया, तो 1,01,000 का इस साल हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो सरप्लस अकाउंट में कितना आ गया? 1,01,000। किसी को डाउट यहां तक? आगे चलो, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 15% डिबेंचर। अभी हम 15% को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट नहीं सीखी। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारे जो डिबेंचर है ना, पिछले साल 50,000 के थे, इस साल कितने के हो गए? तो जरूर हमने इस साल 30,000 रुपए की डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे। डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटी रेस करी है, फंडिंग आई होगी गई होगी? गई होगी, आई होगी, पैसा आया है, तो क्या लिखोगे? प्लस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने के? 30,000 के। हाँ या ना? आगे चलो, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 1,10 से 1,50 हो गए, तो बताओ जी ट्रेड पेबल 1,10 से 1,50 40,000 ऐड कर दोगे? हाँ या ना? और अदर करंट लायबिलिटी 20 से 12 हो गई, इसे प्लस करोगे तो इसे माइनस करोगे, अदर करंट लायबिलिटी कितनी बेटा? 8,000। कितनी? 8,000। हाँ या ना? आगे चलो, एसेट्स क्या बेटा? नॉन करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स 1,17,000 से 2,74, 1,17,000 से 2,74,000, दैट इज 1,17,000 से 2,74,000 की होगी। तो क्या करी होगी? खरीदी होगी, बेची होगी? पैसा आया होगा, गया होगा? प्लस या माइनस? इनफ्लो आउटफ्लो, तो माइनस कर दो। क्या किया है? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स कितने की? बोलो बोलो भाई, 157 की खरीदी है, माइनस। आगे बढ़ो, क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 55 से कितने की हो गई? 68। तो ये भी खरीदी होंगी, पैसा गया होगा, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? बोलो 13,000। आगे बोलो, आगे बोलो, करंट एसेट्स इन्वेंट्री 1,50,000 से कितने की हो गई? 2,06,000। बढ़ गई कम हो गई? तो माइनस करोगे, स्टॉक कितना? 56,000। आगे बोलो, आगे बोलो, फिर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल 70 से 32 कम हो रहे हैं, तो क्या करोगे? प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितने? बोलो 38,000 प्लस होंगे, कोई इनकम टैक्स पेड नहीं है, बाकी तो सीसी है। क्या बेटा? सीसी। कुछ और है क्वेश्चन में? क्या हो गया?
कर तो दिया इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000। मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट हमने सीखा ही नहीं, जब इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट सीखेंगे तो करेंगे। अब इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट हमने सीखी तो डैश डैश 1,00,000 1,000 डैश डैश 1,00,000 1,000 करो 14 पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा 1,00,000 क्या आ गया क्या लिखोगे कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ये कितना हो गया 1,70,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग और ये कितना हो गया कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट बताओ क्या आ रहा है कितना आ रहा है नेट क्या लिखोगे नेट कैश जनरेटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और ओपनिंग सीसी कितनी है बोलो 70 कितनी है 70,000 ओपनिंग सीसी कितनी है बोलो बेटा 70,000 हाँ है ना ओपनिंग सीसी कितनी है आगे चलें अब एक बात बताओ बस ये 70 आ गई ये 2570 कितने हो गए 95 अब क्या करना है हाथ जोड़ लो बोलो हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए। अब ध्यान से दाहिनी आंख धीरे धीरे खोलते हुए देखो ये कितना है 90 और बुक में जाके देखो कितना आंसर क्लोजिंग सीसी कितनी है 95 तो भगवान ने हमारी आपको नहीं हमने मैच कराई है तो ये आपका घमंड होगा कि किसने मैच करवाई है भगवान जी ने मैच करवाई है किसने मैच करवाई है भगवान जी। चलो आओ जी 41 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा आओ जी 41 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा 41 क्वेश्चन पे आ जाओ क्या कह रहे हैं एक बैलेंस आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है निधि लिमिटेड की किसकी और आपको इसका सीएफएस बना के दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कुछ नहीं है सीधा सीधा देखो शेयर कैपिटल 6,00,000 से कितने का हो गया तो जरूर क्या हुआ होगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने के शेयर इशू किए बेटा बोलो कितने के शेयर इशू किए हैं कितने के शेयर इशू किए हैं बोलो बेटा 2,00,000 के। आगे चलो रिजर्व एंड सरप्लस 3,00,000 से 4,00,000 हो गया नीचे खोल के दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है बोलो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल पिछले साल मुनाफा हमारा कितना था 3,00,000 इस बार कितना हो गया 4,00,000 तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें इस साल 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा हमें 1,00,000 का। आगे चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले 1,50,000 की थी अब 1,00,000 की हो गई तो जरूर हमने रीपे कर दी होगी पैसा आया होगा गया होगा कहां से माइनस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहां से माइनस री पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने वापस कर दिए 50,000 वापस कर दिए 50,000 क्या कर दिए हमने वापस कर दिए यहां तक किसी को कोई डाउट आगे चलो करंट लायबिलिटी में क्या गिवन है ट्रेड पेबल 48 से कितने के हो गए 40 तो ट्रेड पेबल में को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे कितना 8,000 हाँ या ना। आगे बोलो क्या गिवन है अब आ जाओ एसेट साइड पे लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई एसेट साइड में क्या गिवन है नॉन करंट एसेट्स पीपीई पीपीई में हमारे पास कुछ एसेट पड़ी हैं 5,60,000 से कितने की हो गई 8,50,000 की 560 से 850 बढ़ रही है कम हो रही है बढ़ रही है खरीदी होगी बेची होगी खरीदी होगी ना पैसा आया होगा गया होगा गया होगा आउटफ्लो ऑफ कैश प्लस करेंगे माइनस करेंगे माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स पीपीई कितना बोलो बोलो भाई बोल दो यार 2,10,000 नेगेटिव हो गया हाँ या ना किसी को कोई डाउट आगे चलते हैं बेटा अब पढ़ो आगे क्या लिखा है नॉन करंट दो बेटा जो कहोगे लिख देंगे हम मुझे तो मैं तो दोनों पैसे भी मैच करा दूंगा आंसर ठीक है चलो आओ
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट 160 से कितने की हो गई, 232, तो खरीदी है बेची है, बेची है खरीदी है, पैसा आया है, गया है, तो माइनस कर दो, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 72,000, यहां भी पैसा गया है मेरा, 290 भाग गया, 72 भाग गया। आगे चलते हैं, फिर वो क्या कह रहा है बताओ बेटा, क्या कह रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, सीसी का, और सीसी नीचे भी गिवन है, तो कितना हो जाएगा 134 और 70 कितने हो गए 204, और क्लोजिंग सीसी में क्या आएगा 50 और 94, यही ना, कितना हो गया 140। बोलो ये बात समझ आई, ये वाली बात सबको समझ में आती है बेटा, पक्का क्लियर है ये वाला पॉइंट, कि मैंने करंट इन्वेस्टमेंट और सीसी ओपनिंग क्लोजिंग की प्लस करके लिख दी यहाँ पे बाहर, कुछ कई बार क्या करते हैं यहाँ पे भी कर लेते हैं, एक ही बात है, चाहे यहाँ कर लो चाहे बाहर जाके कर लो। आगे बताओ क्या गिवन है, इन्वेंट्री 82 से क्या हो गई 76 कम हो रही है, तो प्लस करेंगे स्टॉक कितना, बोलना, बोलो भाई बोलो, 6,000 प्लस करेंगे, आगे बोलो, ट्रेड रिसीवेबल 92 से क्या हो गया कम हो गए, प्लस करेंगे क्या, ट्रेड रिसीवेबल कितने बोलो 54, पक्का खत्म, प्रॉफिट कितना है डैश डैश 1,00,000, इसमें भी कुछ नहीं है डैश डैश 1,00,000 और 60, तो 60 हो गए ना, 54 और 6 60 8 गए तो 52,000, ये कितना हो गया, कोई टैक्स नहीं है 1,52,000, क्या आ गया कैश जनरेटेड, कैश क्या आ गया जनरेटेड, यहां से क्या हो गया बोलो, कितना हो गया 3,62,000 हो गया, क्या आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये क्या आ गया 1,50,000 कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ या ना, कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,50,000 आ गया, ये किसी को कोई डाउट यहां तक, अब बताओ नेट क्या आ रहा है 152 और 150 माइनस का क्या आ रहा है, मतलब कैश यूज्ड इन, कैश जनरेटेड नहीं है, नेट कैश यूज्ड कितना है पूरा 60, तो 60,000 आ गया नेट कैश यूज्ड, कितना आ गया 60,000 रुपए, कितना आ गया, आगे चलो ओपनिंग सीसी कितनी है 204, 204 में से 60,000 गए तो क्या बचा 144, अब क्या करोगे हाथ जोड़ोगे बोलो हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए, अब ध्यान से आंख खोलते हुए देखो क्यों मैच कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है बेटा, जो पहले देखेगा उसकी मैच नहीं होगी, एक टोटका है और ऐसे ही मैच करेगी नहीं, ठीक है, कोई सोचेगी हो जाएगी नहीं होगी भाई, बेटे कर ले कोई बात नहीं, बोर्ड आएगा पता चल जाएगा, आओ जी इतनी भी लेट मत खोली होगी, आओ जी बेटा अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 42 पे, किस पे आ गए 42 पे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो, कुछ अलग अलग चीजें भी हैं ध्यान से, द बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, वही 21 और 22 का डाटा गिवन है, ठीक है बेटा तुम्हारे सीएफएस बना लेते हैं, अब देखो ऊपर बैलेंस शीट है और नीचे से क्या है नोट्स टू, तो ध्यान से पढ़ना ऊपर की दी हुई आइटम को, एक बार जाके नीचे देखना कि वो नीचे कहीं पूरी ओपन करके दी हुई है कि नहीं दी हुई, जैसे शेयर कैपिटल कुछ दे रखा है नीचे, नहीं, शेयर कैपिटल 2,00,000 का 2,00,000 ही है, इसका मतलब इस साल हमने कोई फंडिंग रेज, रिजर्व एंड सरप्लस 96 से 90 मात्र 2,000 रुपए कमाए हैं, कितने कमाए हैं
अब 2000 कहाँ से लो? तुम्हारे नहीं बेटा, किसी छोटे बड़े बंदे की। आओ, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट सर नीचे खोल के दे रखी है। देखो क्या बताया हुआ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है नीचे। लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, किससे लोन लिया है? 21 में था ही नहीं, 22 में 40,000 हो गया। 21 में था ही नहीं, 22 में 40,000 हो गया। तो इसका मतलब अमन लिमिटेड से हमने लोन लिया है, तो क्या करोगे? पैसा आया है, प्लस लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, कितने का लोन आया है? 40,000 आया ना। और पढ़ो नीचे क्या लिखा है, लोन फ्रॉम बैंक 60 का कितना कर दिया? 50। क्या कर दिया? रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस रीपेमेंट ऑफ क्या? बैंक लोन। कितना? 10,000। नहीं समझ आया? अरे जो अमन से 40,000 लिए हैं और बैंक के 10,000 वापस कर दिए, बस हुआ। क्या हुआ इसके बाद बताओ? करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 72 से कितना हो गया? 82 बढ़ रहे हैं, तो प्लस ट्रेड पेबल कितने बेटा? 10,000 आया ना। आगे बोलो सर, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पीपीई नीचे खोल के दे रखा है पूरा, क्या क्या दे रखा है बताओ? लैंड 40 से कितने की हो गई? सर खरीदी होगी ना, तो क्या लिखोगे? माइनस परचेज ऑफ लैंड, कितना बेटा? कहाँ मिलती है? ठीक है, सोना रोड पे मिल रही होगी, वहीं मिलती है गांव में 5,000 रुपए के हिसाब से। कहाँ पे? आओ जी, 20,000 रुपए की क्या क्या ले ली बेटा? लैंड ले ली। आगे बिल्डिंग 1,00,000 से कितने की हो गई? 10,000 की उन्होंने क्या खरीद ली? बिल्डिंग भी खरीद ली। परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने? 10,000। 10,000 की बिल्डिंग बताओ, 20,000 की लैंड खरीदी, 10,000 की बिल्डिंग खरीद ली। आओ चलो, मशीन, मशीन 2,14 से 2,44 की हो गई, 214 से 2,44,000 की हो गई। क्या हुआ? माइनस परचेज ऑफ कितने की बोलो? 30,000। सबसे महंगी तो मशीन खरीदी है भाई ने, 10,000 रुपए की 20,000 की लैंड खरीदी, उस पर 10,000 की बिल्डिंग बनाई और उसमें 30,000 की जाके मशीन रख दी। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन 54 से कितना हो गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछली बार तक हमारे पास डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ पड़ा था 54 का, जो कि इस बार 72 हो गया। तो बताओ इस करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? 18,000। कितना लगाया होगा? याद है, दिल पे पहली बार आया ये, पहली बार डी फॉर डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। कितना लगाया बोलो? 18,000। मशीन पे है ना ये, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। आगे चलते हैं, हो गया समझ? आ गया, आगे पढ़ो। कैसे बेटे वो नंबर कट जाएंगे? ऐसे तो ये भी कर सकते थे, 3,00,000 से 3,42,000 हो गया, तो माइनस 42,000 कर दो सीधा, पर वो गलत होगा, उसमें नंबर कट जाएंगे। पूरा ट्रीट करके दिखाना होता है कि क्या क्या कहां से कितना कितना। आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ो। क्या लिखा है? करंट एसेट्स इन्वेंट्री 50 से कितने की हो गई? 44। तो प्लस स्टॉक कर दो 6,000 का। आगे चलो, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? 70 से 76,800, तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल 60,800। आगे बोलो, वो तो बाद में करेंगे, बाकी सारा हो गया क्वेश्चन। सर नीचे जाके एक एडजस्टमेंट दे रखी है, हालांकि हमने अभी एडजस्टमेंट सीखी नहीं है, स्टिल मैं आपको बता देता हूं। याद करो फॉर्मेट, याद किया था? सबसे पहले यहाँ क्या होता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में क्या आता है? प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड दिया है, प्लस कर दो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड, कितना? 52,000। हाँ है ना। अब एक बात बताओ, ये याद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें माइनस क्या करते थे यहाँ पे? सर्विस कॉस्ट। क्या माइनस करते थे? जाओ फॉर्मेट में जाओ, सर्विस कॉस्ट में क्या माइनस करते थे? डेट का इंटरेस्ट और इक्विटी का डिविडेंड।
माइनस इंटरिम डिविडेंड कितना 52,000। हालांकि 52 को आप इग्नोर भी करते तो भी आपका आंसर मैच कर जाता, एक जगह प्लस और माइनस। देखो ना एडजस्टमेंट का इंपैक्ट तो डबल इंपैक्ट ही है, समझ आया? ऑपरेटिंग में ऐड किया, फॉर्मेट में जाओ देखो मैंने लिखवाया भी हुआ है, लॉजिक समझाऊंगा जब एडजस्टमेंट सीखेंगे। 52 समझ आया, ये वाला 52 समझ आया। आगे चलो 2 और 52 50 प्लस 18 72 कर दो और 9,200 कितना हो गया 81,200 कैश जनरेटेड। क्या गया बेटा? कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख लिया। आगे आओ ये कितना हो गया 60,000 कैश यूज्ड। क्या आ गया? कैश यूज्ड, हाँ या ना? यहां क्या आ गया 62 कितना हो गया 18 62 हाँ ठीक है 22,000 क्या आ गया कैश यूज्ड। भाई साहब इतना कमाया, इतना कमाया, इन्वेस्ट भी किया और उधार चुका भी दिए, उधार चुका भी दिए, ठीक है? मतलब इतना पैसा कमाया इस साल हमने कैश में कि हम एसेट्स भी एक्वायर कर रहे हैं और पुराने उधार चुका भी रहे हैं, ठीक है? कितना हो गया बताओ माइनस 800 तो क्या आ गया नेट कैश यूज्ड। ओपनिंग सीसी कितनी है बोलो 8,000 और ये कितना हो गया 7,200। अब क्या करने हैं? हाँ जोड़ो बोलो हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करा दीजिए। अब ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है 70। अब ध्यान से जाके धीरे धीरे वहां जाके देखो क्या आंसर 72 है। हाँ दाहिनी आंख खोलते हुए धीरे धीरे देखो क्या 7,200 आंसर आ रहा है। आ रहा है 7,200। हाँ भाई तो खुशी की एक लहर आ गई कि भैया हाँ हमारा आंसर, बड़ी खुशी यार 6 नंबर का आंसर मैच कर गया, ठीक है? पर कई बार गलत भी मैच कर जाता है, ऐसा नहीं कि मैच कर गया तो उसका मतलब सब कुछ ठीक ही होगा। एक बार को तो खुशी हो ही गई जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्या मम्मी मेरी तो सारी बैलेंस शीटें मैच की थी, उन्होंने नंबर नहीं दिए।